हेलो गाइस, आप सभी को पता है कि भगवान राम ने रावण का अंत किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी एक राक्षस का वध किया था, जिसके बारे में आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि माता सीता ने किस राक्षस का वध किया था। कुंभकर्ण के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और आप सभी को पता होगा कि कुंभकर्ण कौन था। कुंभकर्ण का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम मुल्कासुर था, जो कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। इस नक्षत्र को बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसीलिए कुंभकर्ण ने अपने पुत्र मुल्कासुर को जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मुल्कासुर का पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया। बड़े होने पर मुल्कासुर अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला श्री राम और विभीषण से लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा, ताकि वो और भी शक्तियां अर्जित कर पाए और अपने दुश्मनों का नाश कर पाए। मुल्कासुर की कठोर तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने मुल्कासुर से कहा, जो वर मांगना है तुम मांगो। मुल्कासुर ने अमृता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुल्कासुर यह वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, यह असंभव है, तुम कुछ और वरदान मांगो। फिर मुल्कासुर ने कुछ सोच कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु मुझे वरदान दे कि स्त्री के अलावा मुझे अन्य कोई भी ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा आस्तु ऐसा ही हो। वरदान मिलने के बाद मुल्कासुर लंका जा पहुंचा अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए विभीषण से। मुल्कासुर ने विभीषण पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर विभीषण भगवान श्री राम के पास जा पहुंचे और पूरी बात बताई। विभीषण ने बताया कि मुल्कासुर वापस आ गया है और मुझे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। मैंने उसके साथ लगभग 6 माह तक युद्ध किया, लेकिन अंततः उसकी विजय हुई। तब मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ आपकी मदद के लिए। भगवान श्री राम ने विभीषण की पूरी बात सुनी, फिर अपने पुत्र लवकुश और भाई लक्ष्मण से कहा, आप तुरंत सेना तैयार करें, हम लंका पुनः कूच करेंगे। इस तरह श्री राम पुष्पक विमान से लंका की ओर चल निकले। तब मुल्कासुर को पता चला कि श्री राम आ रहे हैं, तब वह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। दोनों तरफ बहुत दिनों तक युद्ध चलती रही, परंतु मुल्कासुर का पलरा भारी नजर आ रहा था। तब प्रभु राम ने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। तब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री राम, मुल्कासुर को वरदान मैंने दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ स्त्री के ही हाथों संभव है और उसे अन्य कोई भी नहीं मार सकता। यह काम सिर्फ माता सीता ही कर सकती है, क्योंकि एक बार मुल्कासुर जब अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का शोक व्यक्त कर रहा था ऋषि मुनियों के सामने, तो मुल्कासुर ने कहा, सीता चंडी के कारण ही मेरे कुल का नाश हुआ। मुल्कासुर के इस कथन को सुनते ही ऋषि मुनियों में से एक ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने मुल्कासुर को श्राप दे डाला और उन्होंने कहा, मुल्कासुर तेरा विनाश माता सीता द्वारा ही होगा। यह सुनते ही मुल्कासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उस ऋषि की हत्या कर दी। इसलिए उस ऋषि के श्राप के कारण ही सिर्फ माता सीता ही मुल्कासुर का वध कर सकती हैं। ब्रह्मा जी की यह सारी बातें सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को रणभूमि में लाने का निश्चय किया। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को माता सीता के पास भेजा और कहा, आप दोनों माता सीता को यहाँ लंका लेकर आए, ताकि माता सीता रणभूमि में इस दैत्य का संहार कर सके।
जब सीता जी रणभूमि में आई तो प्रभु श्री राम ने सारी बातें माता सीता को बताया और मुल्कासुर के अत्याचारों के भी बारे में बताया। यह सुनते ही सीता जी अत्यंत क्रोधित हो उठी और मुल्कासुर का संहार करने के लिए चंडी का अवतार धारण कर लिया। मुल्कासुर को पूरा यकीन था कि कोई भी स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत ही निर्बल होती है। इसीलिए मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि सिर्फ उसकी मौत स्त्री ही कर सकती है, अन्य कोई नहीं। लेकिन मुल्कासुर को यह नहीं पता था कि माता सीता ही द्वारा उसकी मौत लिखी हुई है। माता सीता का चंडी अवतार देखकर मुल्कासुर ने कहा, तुम कौन हो? हे नारी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। यह सुनकर माता सीता ने कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तुमने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को काट डाला था, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी और तुम्हारे अत्याचारों से सभी को मुक्त करूंगी। मुल्कासुर और माता सीता के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर माता सीता ने चंडी अस्त्र छोड़कर मुल्कासुर का संहार किया। माता सीता द्वारा मुल्कासुर के वध होने के बाद सभी देवी देवताओं ने माता सीता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और माता सीता का जोर शोर से जयकारा करने लगे। उस मुल्कासुर को यह तनिक भी आभास नहीं था कि नारी बिल्कुल भी निर्बल नहीं होती है और माता सीता द्वारा ही मुल्कासुर का संहार हुआ एक स्त्री के हाथों। तो आज हम लोगों ने जाना कि माता सीता ने किस राक्षस का वध किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।